रिकॉर्डिंग ऑन है, बताओ आप। ये आप ही की तरफ देख रहा है इस टाइम। हाँ, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। एक्चुअली आज मैं इवनिंग से निकलिया बिकॉज इस जगह पे मैं जा रहा हूँ, एक ब्रिज है एंड इवनिंग जो काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द लाइटिंग एंड डेकोरेशन ऑन इट एंड इट्स नेम इज सिग्नेचर ब्रिज। तो इसलिए मैं आज मॉर्निंग से भी नहीं गया, मैं क्या कि बार शाम के टाइम दी राइड प्लान कर दे एंड थोड़े नाल भी मैं शेयर करा कि हाउ इट लुक्स इन द नाइट एंड इवनिंग। दिस इज़ द सेम ब्रिज जो कि तुहानू सामने नज़र आ रहा है एंड जिहदे बारे मैं तुहाडे नाल अपने सैकेंड वीडियो से भी डिस्कस किया सीगा कि असी अपने बचपन च इत्थे आ के बैठते होंगे सी टू वॉच द ट्रेन्स एंड मैं अपने फ्रेंड्स के नाल इत्थे आ के बैठता सी ट्रेन्स देखने लई, सिर्फ बड़ा अच्छा लगता सी। वो ब्रिज तुहाडे सामने है देखो, जब भी मैं इतों क्रॉस करता बड़ा अच्छा लगता है, एक बचपन याद आ जाता। सो एक सामने तो तिरंगा देखो, कितनी अच्छी हवा चल रही है एंड ये कितना अच्छा लग रहा है। इनिशियल प्लान वॉज कि मैं कमला नगर वाली साइड से निकलता हूँ बट उतें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, आज संडे है, फिर देन मैं यूनिवर्सिटी तो क्रॉस करके सीधा सारे कॉलेजेस को सामने ही निकल के एंड देन टी पॉइंट तो राइट टर्न लाँगे देन मजनू का टीला एंड आफ्टर डैट साडा सिग्नेचर ब्रिज उत्थे पहुँच जाएंगे विद इन 15-20 मिनट्स आई होप सो। बट कमला नगर तो जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता बिकॉज मार्केट का क्राउड सी उत्थे काफ़ी अच्छा लगता। अ संडे है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड बिकॉज यूनिवर्सिटी एंड कमला नगर मार्केट एरिया सब इकट्ठा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। कि मैं इवनिंग च आया तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, मिलेगा ही मिलेगा, लेट्स सी। उम्मीद है पिछली वीडियोज़ भी तुम्हें अच्छी लगी होंगी, मैं ट्राई कर रहा अच्छे तो अच्छी वीडियोस बनाने दी थोड़े नाल शेयर करने दी, लेट्स सी किवें दी बनती आज दी वीडियो। शेयर कर दियो सबको, ठीक है, सबकी आ गई फोटो, दो तीन दिन बाद। तो आई हैव क्रॉस्ड यूनिवर्सिटी थिंकिंग कि मैं काफ़ी टाइम लगेगा इतने पहुँचन च, बट मैं अद्धे घंटे ही पहुँच गया, आई थिंक अद्धे घंटे तो भी घट टाइम लगा मैं इतने आन च। अजे भी नेरा नहीं होया है बट यस मैं तुम्हें ब्रिज जरूर दिखा दिना बट लाइटिंग ऑन नहीं है।
अगर ऐसी रात नू आंदे तो शायद बहुत प्यारा लगता। यमुना का पानी भी काफ़ी डाउन है इस टाइम, पीछे ये काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी। बट ये ऐसा बड़ा अच्छा लग रहा है, इस तरह लग रहा है कि जो कोई नमस्ते कर रहा है, लग रहा है ज़्यादातर नमस्ते ब्रिज भी किया जाता है। काफ़ी लोग इतने फोटो शूट करवा रहे हैं। यमुना भी दिखाने वाला कितनी डाउन आई हुई है, लुक एट दिस। वैसे ही मेरा स्पोर्ट्स का है, जिम का है, घूमने का है, जब टाइम मिलता है ना महीने में 2 या 3 बार। रिकॉर्डिंग ऑन है, बताओ आप। ये आप ही की तरफ देख रहे हैं इस टाइम। हाँ हाय गाइस, सुरेंद्र भैया मिल रहे हैं हमें सेतु ब्रिज पे, काफ़ी अच्छे इंसान हैं और इनका यूट्यूब पर चैनल है अभी, तो आपने सपोर्ट करें और मेरे चैनल पे यूट्यूब पे @TokiRehmat486 ये सपोर्ट करें। छोटे भाई आया भाई, ये इनका छोटा भाई है, अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं भैया, मिले हमें काफ़ी अच्छे इंसान हैं, सपोर्ट करें। और आज ठीक है, कुछ हमसे भी उनको बताएं कमेंट में कल क्या करें आपके लिए कुछ अच्छा। अच्छा चलो, सी यू, बाय बाय। ओके बाय भैया, बाय यार। तो अभी कुछ मैं यहाँ पे वेट कर रहा था ब्रिज के ऊपर, तो एक भैया मिले धान साहब एंड उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया एंड उनका खुद का भी चैनल है, तो ही जस्ट ऑल्सो स्टार्टेड। बट ब्रिज पे अभी काफ़ी टाइम है लाइट्स ऑन होने में, लगभग 1 या 1.5 घंटा, एंड मैं यहाँ पे काफ़ी देर से वेट कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे इतनी देर रुकूँगा तो काफ़ी देर भी हो जाएगी, एंड मुझे आइडिया था कि चलो हो गई होगी अभी तक लाइट्स ऑन, बट रात के टाइम ऑन होती है जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है अराउंड 8 और 8:15, तो अभी शायद 7 या 7:15 हो रहे होंगे। बट यस, बड़ा अच्छा लगता है ये ब्रिज आफ्टर जब ये लाइट ऑन हो जाती हैं। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ ब्रिज के नीचे से क्रॉस करके ऑन द अदर साइड बैक टू माय होम। मन तो बहुत है कि लाइट्स ऑन हो जाएं, बट अभी मेरे आगे एक अंकल जी हैं मस्त माला होके जा रहे हैं। बट बड़ा प्यारा लगता है ये ब्रिज, काश लाइट्स भी ऑन हो गई होती जल्दी।
सनसेट हो चुका है, बट मैंने अभी भी गॉगल्स लगाए हुए हैं बिकॉज विंड प्रेशर बहुत तेज है रिवर के ऊपर एंड ब्रिज के ऊपर। अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। मैं आ चुका हूँ मजनूगढ़ टीला गुरुद्वारा साहिब। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है आज यहाँ पर भी कार पार्किंग। पीछे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, तो काफ़ी शोर आ रहा था। एंड अब कश्मीरी गेट पहुँचने वाले हैं। मेरे लेफ्ट साइड में है मजनू का टीला गुरुद्वारा साहिब। मैं एक बार यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। इस हफ्ते दिस वीक G20 समिट विल ऑल्सो स्टार्टेड एंड डेलीगेट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। एंड काफ़ी डेकोरेशन कर रखी है दिल्ली के अंदर, बहुत ही प्यारा सजा दिया है काफ़ी जगह को, और जगह को क्या पूरी दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ है। और रात को बहुत अच्छा लगता है जब रात को लाइट्स ऑन कर देते हैं। तो मैं कमला नगर मार्केट पहुंच गया एंड थोड़ी दूरी का है, अराउंड 3 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। अगेन गोइंग बैक टू योर यूनिवर्सिटी एंड देन उत्थों से निकलेंगे अभी नागिया पार्क फिर घर। संडे है ना, बहुत जाम है। अभी नहीं आएगा, 2-3 दिन बाद आएगा। ये मार रहे दबा के 2-3 दिन बाद आएगा है? जब ऐसे लोग मिलते हैं और तुहानू तो बड़ा एप्रीशिएट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं।
उम्मीद है तुहानू ये वाली वीडियो अच्छी लगी होएगी, उम्मीद है अच्छी लगी होएगी। मैं पूरी कोशिश करदा कि तुहाडा इंटरस्ट क्रिएट करके रखा, अच्छे तो अच्छा शूट करा। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप एप्रीशिएटिंग। सो घर भी आ ही गया, ऑलमोस्ट और 5 मिनट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर। लव यू ऑल, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जिसे मिलदा थानू हूं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन प्लीज, बड़ी मेहनत लगती है। बाय बाय।